हेलो एवरीवन लेक्चर नंबर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखो लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात की थी उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी ठीक है तो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्शन लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वाटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल और ये सारे के सारे टॉपिक आपके लिए क्लियर इतना चलो तो विल स्टार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक डाइपोल सबसे पहले डेफिनेशन लेते इलेक्ट्रिक डाइपोल तो इन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेर ऑफ इक्वल ये ध्यान से सुनना इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सेपरेटेड बाय वेरी शॉर्ट डिस्टेंस वेरी फाइनाइट डिस्टेंस ठीक है तो जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होगी मैग्नीट्यूड सेम लेकिन एक पॉजिटिव तो दूसरा क्या होना चाहिए नेगेटिव मतलब अगर एक प्लस क्यू और दूसरा कौन है माइनस क्यू अगर दोनों को वेरी शॉर्ट डिस्टेंस से मैं सेपरेट करूँ मानो कि डिस्टेंस टू बोलू। तो ए बोलूँ तो ये जो अरेंजमेंट बनेगी उसको आप क्या बोलोगे इलेक्ट्रिक डायपोल ठीक है टोटल चार्ज देखो ए प्लस क्यू ए माइनस क्यू तो डाइपोल का टोटल चार्ज हमेशा क्या होगा जीरो होगा क्लियर डायपोल का ए प्लस वन कुलम तो ये माइनस वन कुलम होना चाहिए क्लियर और डिस्टेंस दोनों का काफ़ी कम होना चाहिए और ये दोनों डायपोल का टोटल चार्ज ज़ीरो होगा इट डजेंट मीन्स कि उनका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा हम देखो एक्सेल लाइन पे आगे मैं डिफाइन करता हूँ अभी एक्सेल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड निकालेंगे हाँ अगर सेपरेशन ज़्यादा होगी तो फिर वहाँ पे डिस्टेंस आपकी ज़्यादा होगी कंपेयर टू तो दी लेंथ ऑफ डाइपोल तो वहाँ पर आप फील्ड उनका जीरो कंसिडर कर सकते हो एक्चुअल में होगा नहीं चलो तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो ये आपका प्लस क्यू और ये आपकी बनेगी माइनस क्यू ये आपका डाइपोल है ये कौन है आपका डायपोल है ठीक है और ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मानो कि मैं बोलू टू ए तो एक जो लाइन होगी वो एक एक्शल लाइन होगी और एक कौन सी होगी इक्वेटोरियल लाइन होगी तो लाइन ज्वाइनिंग दी टू चार्जेस एंड पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ डाइपोल ये आपका डाइपोल का सेंटर है तो उनको बोलोगे एक्सियल लाइन तो ए लाइन देखो दोनों चार्जेस के सेंटर से पास हो रही है और साथ में कहाँ से पास हो रही है फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल तो ए लाइन आपकी कौन सी लाइन बनेगी एक्सियल लाइन तो आगे जाके एक एक्सियल लाइन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है और एक दूसरी बनेगी इक्वाइटोरियल लाइन तो लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ डाइपोल एंड परपेंडिकुलर टू दी एक्शल ये आपकी कौन सी लाइन है एक्शल लाइन इनसे परपेंडिकुलर मतलब ऐसे और कहाँ से पास होगी फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल तो यहाँ से ये जो लाइन पास होगी ये देखो सेंटर से पास हुई और एक्शल लाइन से परपेंडिकुलर है कि नहीं तो ये जो लाइन बनेगी उसको आप बोलोगे इक्वाइटरल लाइन समझ में आ कि नहीं तो दोनों की डेफिनेशन याद रखना है एग्जाम के अंदर कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा लेकिन ये आपको क्लियर होना चाहिए कि एक्सेल लाइन ये बनती है और एक्सेल से जो परपेंडिकुलर है वो आपकी कौन सी लाइन बनेगी एकटोरियल लाइन बनेगी ठीक है क्लियर इतना समझ में आ चलो फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट तो देखो फर्स्ट पॉइंट इट इज मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ आपने अभी बोला ना कि इलेक्ट्रिक डायपोल का टोटल चार्ज जीरो होगा उनका फील्ड नहीं दैट इज मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल क्लियर चलो इनका डेफिनेशन तो ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है तो वो किसके बराबर है प्रोडक्ट ऑफ दी मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ दी चार्ज देखो मैंने बोला मैग्नीट्यूड आप बोलते हो ना कि डायपोल मतलब एक प्लस क्यू तो दूसरा माइनस क्यू लेकिन जब मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो माइनस का मैग्नीट्यूड भी प्लस बोलोगे ना आप तो दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड मतलब कोई भी एक मैग्नीट्यूड ऑफ दार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम देखो इन दोनों का डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे टू ए मैं कंसिडर करूँ तो दोनों की मैग्नीट्यूड किसके बराबर क्यू के बराबर और डिस्टेंस बिटवीन दम किसके बराबर होगा पी के बराबर तो ए क्या बनेगी आपकी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी अभी ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो आपकी कौन सी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी मतलब इनकी कोई डायरेक्शन भी होगी तो इनकी डायरेक्शन देखो क्या होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव तो ये टाइपल मोमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से किसकी ओर होगी पॉजिटिव चार्ज के मतलब फील्ड से वो कौन से डायरेक्शन में होगी अपोजिट डायरेक्शन में ठीक है और देखो दूसरी बात कि okay. आपकी डायपोल होगी तो उनकी फील्ड देखो ए प्लस क्यू एक इलेक्ट्रिक चार्ज और ये माइनस क्यू तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड ए वाली डायरेक्शन में होगा ना इनके लिए मैं बोल दूँ ये इनका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो इनकी डाइपोल मोमेंट अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये इनकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी तो देखो ये जब पेयर बनती है तो यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट पे हाँ ठीक है हर जगह पे आपको अप्लाई नहीं करना है ये तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज क्लियर उनके ऐसा यूनिट के बारे में बात करें तो उनका ऐसा यूनिट आप मुझे इक्वेशन से बोल के दिखाओ क्यों इलेक्ट्रिक चार्ज है टू ए आपका डिस्टेंस है ये वाला सेंटर से ये कितना होगा ए के बराबर ए वाली साइड पे ये डिस्टेंस है टू ए होगा तो इनका ऐसा यूनिट क्या होगा कूलम इन मीटर सेंटीमीटर नहीं है एक कोलम इन मीटर तो इनका डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल पाओगे आप डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कुलम मतलब ए वन टी वन मीटर मतलब एल वन मैं ऐसे लिख सकता हूँ एल वन टी वन ए वन या तो एल वन इंटू क्यू वन तो ये इनका क्या बनेगा डायमेंशनल फार्मूला वेक्टर फॉर्म में लिखते इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है उनके डायरेक्शन का कोई यूनिट वेक्टर मैं कर लूँ। पी के डायरेक्शन का तो पी इज इक्वल टू टू एंटू क्यू पी के बन और यहां पे आ जाएगा वेक्टर। तो ये क्या होगा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और यू कैन से फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव तो उनके डायरेक्शन का ये क्या होगा आपका एक यूनिट वेक्टर, क्लियर इतना चलो तो ये आपकी डाइपोल, और एक देखो यहाँ पे एक P इज इक्वल टू टू ए क्यू चलो तो एक आइडियल डाइपोल, तो आपकी आइडियल डाइपोल के लिए क्या होना चाहिए तो आपकी आइडियल डाइपोल कब बनती है जब चार्ज का मैग्नीट्यूड आपका क्या बने इनफाइनाइट और ये जो टू ए डिस्टेंस है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इन डाइपोल वो किसके बराबर बने ऑलमोस्ट इक्वल टू टेंस टू जीरो नॉट इक्वल टू जीरो मतलब जीरो पॉइंट जीरो 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 समथिंग ठीक है और एक क्लोज टू द इनफाइनाइट तो जो डाइपोल बनेगा उसको आप क्या बोलोगे आइडियल डाइपोल आइडियल डाइपोल कब मिलेगी वेन क्यू टेंस टू इनफाइनाइट डिटवीन टू चार्ज ऑफ डाइपोल टेन्स टू जीरो आपका क्या बनेगा आइडियल डाइपोल बनेगा समझ में आके नहीं चलो फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्शल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल आपकी डायपोल के दोनों चार्जेस के सेंटर से और डायपोल के सेंटर से जो लाइन पास होके जाती है वो कौन से एक्शल लाइन तो एक्शन लाइन पे मानो कि एज्यूम किया कि पॉइंट पी डाइपोल से कितने डिस्टेंस पे आर डिस्टेंस पे याद रखो जब भी आप डाइपोल से डिस्टेंस बोलोगे ना इट मीन्स डाइपोल के सेंटर से लेना है ठीक है तो ये देखो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे आर डिस्टेंस पे और ये प्लस क्यू से डिस्टेंस बोलूँ तो इतना होगा और माइनस क्यू से बोलूँ तो ए वाला डिस्टेंस होगा और आपको पता है कि एक पॉइंट चार्ज क्यूँ होगा उनसे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका के क्यू बाई आर स्क्वायर डिस्टेंस स्क्वायर के बराबर तो बस वही फार्मूला यहाँ पे लगाना है अब देखो ये माइनस क्यू ए प्लस क्यू इनकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी होगी ये वाली डायरेक्शन में होगी तो ये पी वेक्टर में यहाँ पे बता दूँ ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है ठीक है माइनस क्यू टू प्लस क्यू तो ए प्लस क्यू तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे कौन से डायरेक्शन में होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में तो ये देखो ये मैंने दिखा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ प्लस क्यू ठीक है और ये आपका नेगेटिव चार्ज तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाले पॉइंट पे कौन से डायरेक्शन में होगा इन्वर्ट डायरेक्शन में तो ये क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड यू टू माइनस क्यू अगर ये दोनों का मैं वेक्टर एडिशन करूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब देखो दूसरी बात कि जब भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो अगर आपको डायरेक्शन का जम्पन लगाना कैसे करोगे ए प्लस क्यू पॉइंट पी से बाजू में है ना तो कम डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड उनकी स्ट्रोंगर होगी ना दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है तो यहाँ पे प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड नेट रहेगा आउटवर्ड वाला अगर ए पॉइंट पी ए वाली साइड पे होता तो वहां पे माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनता स्ट्रांगर बनता है ठीक है चलो तो डेरिवेशन स्टार्ट करते तो ये आप सब स्टोरी लिखोगे कंसीडर अ पॉइंट पी एट अ आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल वी वांट टू फाइंड आउट द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड यू टू प्लस क्यू विल बी ई प्लस क्यू आउटवर्ड डायरेक्शन एट पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड यू टू माइनस क्यू विल बी ई माइनस क्यू इनवर्ड डायरेक्शन क्लियर चलो तो इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आगे और मुझे डेरिवेशन करना है तो डेरिवेशन में जितना मैं यहाँ पे करूँ उतना ही आपको करना है चलो देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं पॉइंट टू पॉइंट पूरा करूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड बाई प्लस क्यू एट पॉइंट पी एट पॉइंट पी तो वो क्या होगा ए प्लस क्यू वैक्टर फॉर्म में लिख रहा हो तो के क्यू डिड बाय डिस्टेंस स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन प्लस क्यू एंड पॉइंट पी ए देखो डिस्टेंस आर ए डिस्टेंस ए तो ये कितना होगा आर माइनस ए के बराबर होगा ना ये वाला डिस्टेंस आर माइनस ए क्लियर ये डिस्टेंस होगा डिस्टेंस बिटवीन प्लस क्यू एंड पॉइंट पी तो आर माइनस ए स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड ए वाली डायरेक्शन है ना वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है कि नहीं तो अगर मैं बोलू कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर पी कैप लगा दूँ तो देखो ठीक है ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है माइनस क्यू टू प्लस क्यू की और ठीक है लेफ्ट वर्ड तो उनकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर डायपल मोमेंट की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर पी कैप फिर देखो नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड बाय माइनस क्यू एट पॉइंट पी नेगेटिव चार्ज तो देखो ए नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और पॉइंट पे यहाँ पे यहाँ से ये यह वाला डिस्टेंस आर और यहाँ से ये यह वाला ए तो टोटल कितना बनेगा ये देखो टोटल कितना बनेगा आर प्लस ए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू के क्यू डिवाइड बाय आर माइनस आर प्लस ए स्क्वा और देखो यहाँ पे बोलो कि सर आपने नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं लिखा तो नेगेटिव लिखो तो यहाँ पे माइनस साइन मिलेगी ना तो वो मुझे डायरेक्शन देता है ए वाली डायरेक्शन इनवर्ड डायरेक्शन तो ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये वाली लेफ्ट वर्ड तो उनसे ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होगी उनकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या बन जाएगा माइनस पी के तो यहाँ पे देखो आपको मिल गया वही आंसर ठीक है तो माइनस के क्यू डिवाइड बाई आर प्लस ए स्क्वा और ये देखो पी के आप यहां पे माइनस पी के पर अलग से रख सकते हो वैसे ही क्लियर इतना चलो तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा तो देखो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी एट पॉइंट पी तो वो क्या होगा ई पी बोलो क्लियर तो ई प्लस क्यू इलेक्ट्रिक वैक्टर एडिशन है e माइनस क्यू अगर कोई स्केलर फॉर्म में करे तो क्या होगा तो स्केलर फॉर्म में करोगे तो आपको समेशन करनी है ए फॉर्म वहां पे नहीं रहेगा ठीक है तो वहां पे के क्यू और फिर सीधा डायरेक्टली यहाँ पे एडिशन करो क्लियर लेकिन डेरिवेशन जैसे हमें बुक में दिया वैसे वेक्टर फॉर्म में करना है तो KQ by R minus A square P के क्यू डिवाइड बाई आर माइनस ए स्क्वेयर पी के इलेक्ट्रिक फील्ड यू टू प्लस क्यू प्लस ए वाला तो ए माइनस में तो के क्यू डिवाइड बाई आर प्लस ए स्क्वायर पी कैप पी कैप कॉमन कर लो के क्यू भी आपका कॉमन निकल जाएगा तो के क्यू कॉमन वन अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर और ये आपकी पी कैप चलो के क्यू नाव ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर करके सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा फोर ए आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर पी कैप क्लियर ये देखो आर स्क्वायर प्लस टू ए आर प्लस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस टू ए आर प्लस ए स्क्वायर साइन अंदर मल्टीप्लीकेशन करना है एक्स माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करते थे ना मैथ्स के अंदर तो वैसे ही आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर चलो फिर देखो अगर मैं यहाँ पे के क्यू और ये आपको पता है ना डायपोल मोमेंट का एक इक्वेशन है पी इज इक्वल टू टू ए क्यू बस वो इक्वेशन मुझे यहाँ पर लेके आना है देखो यहाँ पे तो के क्यू फोर ए आर तो यहाँ पे टू ए मुझे मिल जाएगा और एक क्यू यहाँ से मिल जाएगा ठीक है तो देखो के फिर क्यू टू ए इंटू टू इंटू आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर करूँ पी के चलो थोड़ा मैं एक्सटेंड करता हूँ यहाँ पे देखो तो ये क्या बन गया टू ए क्यू ये आपकी टू ए क्यू आपकी क्या बन गई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो उनको P लिख दो मैं चलो ए टू तो टू के पी आर पी वैक्टर यूनिट वैक्टर डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर इफ आर इज वेरी मच ग्रेटर देन ए ये आपकी जो डिस्टेंस आर है ठीक है वो ए वाले डिस्टेंस से काफ़ी ज़्यादा हो तो आप ए स्क्वायर को क्या करोगे नेग्लेक्ट करोगे तो टू के पी आर डिवाइड बाई आर पावर फोर पी यूनिट वेक्टर तो ये क्या बनेगा टू के पी डिवाइड बाई आर क्यूब पी यूनिट वेक्टर तो ये आपको क्या मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्शियल लाइन तो ये क्या मिला आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्शल ऑफ डाइपोल इलेक्ट्रिक न तो टू के पी डिप अभी देखो इसका मतलब का मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्शल लाइन पे हमेशा डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगा देखो इनको समझो तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसका रहेगा प्लस क्यों का उनका स्ट्रोंगर होगा तो वो कौन से डायरेक्शन में होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में ए वाली डायरेक्शन देखो किसकी एप्पल मोमेंट की डायरेक्शन है कि नहीं चलो फिर ए वाली साइड पे तो यहाँ पर मानो कि पी डैश पॉइंट लूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई माइनस क्यू और इनका क्या बनेगा ई प्लस क्यू लेकिन ई माइनस क्यू स्ट्रांगर देन द्लस दे क्यू रहेगा तो फील्ड की डायरेक्शन ए वाली होगी ए वाली डायरेक्शन मतलब देखो फिर से लेफ्टवर्ड डायरेक्शन होगी कि नहीं ठीक है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन होगी ना तो वहां पे फिर से देखो ये डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में फील्ड बनेगा तो एक्शन लाइन पे आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होगी ये पॉइंट नोट डाउन कर लो पर एक्शन लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा टू के पी डिवाइड बाय आर क्यूब के बराबर ये इनका मैग्नीट्यूड होगा इनको भी नोट करो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वाइटोरल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले आपने एक्शल लाइन पे निकाला अभी कहाँ पे जाना है इक्वाइटोरियल लाइन पे तो ये डायपोल की इक्वाटोरियल लाइन बनेगी तो वहाँ पे मैंने कोई पॉइंट पी एज्यूम किया कि जो डायपोल से कितने डिस्टेंस पे आर डिस्टेंस पे ठीक है और ये डायपोल कितनी लेंथ का टूए लेंथ तो ये देखो प्लस क्यू की वजह से उनका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में बनेगा ये माइनस क्यू की वजह से उनका इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा तो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग अलग डायरेक्शन है तो देखो तो यहाँ पे आप वेक्टर एडिशन कर सकते हो या तो फिर पैरलोग्राम करो क्लियर पैरलोग्राम में थीटा होना चाहिए आपके पास तो जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो वो कैलकुलेशन करनी है यहां पे मुझे क्या करना है कि इन दोनों को कंपोनेंट में डिवाइड करना है देखो कैसे मैं कंपोनेंट में डिवाइड कर रहा हूँ ये इनके साथ थीटा एंगल बना तो ये इनके साथ कौन सा एंगल ए वाला ध्यान से देखना आप कितना एंगल होगा थीटा तो ई प्लस क्यू ने इसके साथ थीटा एंगल बना तो उनके दो कंपोनेंट क्लास इलेवेंथ याद करो हॉरिजोंटल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट तो जिनके साथ एंगल बनेगा उनके डायरेक्शन का कंपोनेंट बनेगा हॉरिजोंटल कंपोनेंट और वो कंपोनेंट क्या बनेगी ई प्लस क्यू कॉस थीटा और उनसे परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ई प्लस क्यू साइन थीटा समझ में आ कि नहीं दोस्तों चलो फिर ये माइनस क्यू तो ये माइनस क्यू ने भी ए देखो ये एं थीटा एंगल तो ये वाली एंगल क्या बनेगी आपकी थीटा बनेगी तो माइनस क्यू ने इसके साथ एंगल थीटा बनाया तो उनके डायरेक्शन का कंपोनेंट बनेगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा और उनसे कम्पोनेंट परपेंडिकुलर बनेगा ई माइनस क्यू साइन थीटा समझ में आ न? तो ये दोनों कंपोनेंट किसके ई माइनस क्यू के ये दोनों कंपोनेंट ई e प्लस क्यू के तो देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इक्वल मिलेगा आगे जाके हम प्रूव करेंगे और ये साइन थीटा थीटा सेम होगा तो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते तो जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इक्वेटोरियल लाइन पे वो खाली ये दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से ही होगा याद रखना क्लियर इतना ठीक है चलो तो यहाँ पे देखो पहले तो ये जो डिस्टेंस है वो हमें निकालना पड़ेगा क्लियर तो ये डिस्टेंस कितना ए ए डिस्टेंस कितना आर तो मैं सिंपल पाइथागोरस यूज करूं तो ये क्या मिलेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये भी कितना मिलेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तो यहां पे डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू ठीक है तो वो कितना बनेगा ई प्लस क्यू चार्ज कितना क्यू के बराबर और डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड चार्ज तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल स्क्वायर अंडर रूट निकल जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्लियर फिर देखो नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू नेगेटिव चार्ज तो वो क्या बनेगा देखो मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं ठीक है यहां पे खाली तो साइन मैटर नहीं है मेरे लिए तो ये क्या होगा अंडर रूट ऑफ सेम ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्लियर इतना अब देखो मैं एक डायग्राम दिखाता हूं अपनी नोट्स के अंदर एक्स्ट्रा एक मिनट एक रुको नोट्स देखो ये वाला डायग्राम तो ये डायग्राम यहाँ पे मैंने दिखा दिया कंपोनेंट के फॉर्म में है ना चेक कर लो E प्लस क्यू साइन थीटा एरा ई प्लस क्यू कॉस थीटा एरा आपका कंपोनेंट ई माइनस क्यू कॉस थीटा क्लियर और एक और है आपकी ई प्लस क्यू साइन थीटा क्लियर इतना चलो तो ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया ना तो वो आप नोट कर लेना क्लियर चलो फिर आपने देखा ना कि ई प्लस क्यू साइन थीटा एंड ई माइ और देखो ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के क्यू बाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ठीक है ई माइनस क्यू साइन थीटा आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन so they will cancel each other net electric field on equatorial line will only due to हॉरिजॉन्टल कंपन क्लियर देखो ये रट्टा नहीं करना आपको सिंपल समझ के यहाँ पे लिखना है ठीक है तो थोड़ा लिखने में आपका आगे पीछे भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अब देखो दूसरी बात ये दोनों का एडिशन करूँ तो ये राइट वर्ड डायरेक्शन में होगा ना और ये डायपल मोमेंट देखो माइनस क्यू टू प्लस क्यू तो ये डायपल मोमेंट कौन से डायरेक्शन में लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में और ये इनसे ऑपोजिट डायरेक्शन है तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर अगर कोई आपका पी पीकेफ होगा तो इनकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा माइनस माइनस पी ये दोनों की के डायरेक्शन पे ऐड कौन सी बनती है राइट वर्ड डायरेक्शन में ही बनेगी ना तो ये डायपल मोमेंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वहां पे आपका यूनिट वेक्टर क्या होगा माइनस पी केफ चलो तो ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा और यहाँ पर डायरेक्शन मैंने वेक्टर लिखा है तो डायरेक्शन भी बोल दूँ माइनस पी के आपको पता है मैंने माइनस पी के क्यू बोला क्योंकि ये दोनों फील्ड को ऐड करोगे कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो राइटवर्ड right डायरेक्शन में बनेगा डायपोल मोमेंट माइनस क्यू टू प्लस क्यू आपकी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में इसलिए ठीक है फिर देखो आपको ये भी पता है ई प्लस क्यू इज इक्वल टू ई माइनस क्यू मैग्निट्यूड की बात कर रहा हूँ ठीक है तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ और इनको E क्यों बोल दो तो 2 E क्यों कॉस थीटा और एक कौन है माइनस पी cap क्लियर तो ये देखो माइनस पी cap का माइनस इधर 2 E क्यों मतलब ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू दोनों में से कोई भी एक लिख दो तो E क्यों डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कॉस थीटा माइनस पी cap अब देखो दोस्तों कि की थीटा की वैल्यू आप यहां से लेके आओगे तो कॉस थीटा क्या होगा आपका एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस एडजेसेंट कौन है ए हाइपोटेनियस किसके बराबर होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वा प्लस ए स्क्वायर तो ये ट्राइंगल के अंदर आपको मिल जाएगा ठीक है तो कॉस थीटा फ्रॉम द फिगर ये वाली साइड से करोगे तो भी ये वाली साइड से करोगे तो भी वही मिलेगा ये शायद कट हुआ था पहले चलो फिर से कॉस थीटा क्या होगा एडजेसेंट साइड डिवाइड बाई हाइपोटेनियस तो देखो कॉस थीटा किसके बराबर होगा एडजेसेंट साइड ए ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर ऑफ वन बाई टू तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर ऑफ वन बाई टू फ्रॉम दी डायग्राम चलो तो माइनस टू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा की जगह पे ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर ऑफ वन बाई टू और ए पी के क्लियर इतना देखो डाइपोल मोमेंट की इक्वेशन होती है आपकी पी इज इक्वल टू टू ए क्यू देखो आपको दिख रहा है कहीं पे ए टू ए और ए क्यू तो वो तो क्या बन गई आपकी डाइपोल मोमेंट इनका पावर वन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो ये भी कौन है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर कितना है वन बाई टू तो वन प्लस वन बाई टू कितना होगा थ्री बाई टू तो ये क्या होगा तो टू ए क्यू की जगह पे आप डायपोल मोमेंट लिखोगे p तो माइनस के और टू पी, पी के ए क्यू की जगह पे डिस्टेंस आर के जो डिस्टेंस है वो काफी दूर कंसिडर करो कंपेयर टू तो दिस डिस्टेंस तो उनको हम क्या कर देते नेगलेक्ट कर देंगे तो इफ आर इज वेरी मच ग्रेटर देन तो A, A को आप नेगलेक्ट करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा माइनस के पी बाई आर क्यूब और ए पी के तो ए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहाँ पे मिली Equatorial पे कहां पे मिली आपको इक्वाइटोरियल लाइन पे तो आपने एक नोट किया कि पहले जो फील्ड मिला था वो प्लस पी के था ये यह यहाँ पे देखो माइनस है ना तो माइनस डिरेक्शन दिखाता है तो यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो आपकी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से हमेशा क्या रहेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में कहाँ पे ऑन द इक्वाटोरियल लाइन फिर देखो एक रिलेशन तो ये देखो कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्शियल लाइन किसके बराबर है टू के पी बाय आर क्यूब है कि नहीं और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वाइटोरियल आपको क्या मिला माइनस केपी बायूब ठीक है तो यहाँ पे देखो आपकी एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना वो हमेशा डबल होगी इक्वाइटोरियल की केपी बाई आर क्यूब है ना तो के पी बायर तो डबल होगा क्लियर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन विल ऑलवेज डबल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डबल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वाइटोरियल ये दो तीन इक्वेशन आपको याद रखने हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्शन लाइन क्या होगा टू के पी बा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल क्या होगा के पी बायर माइनस आपको डायरेक्शन दिखाता है ठीक है और एक पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी इतने सारे इक्वेशन तीन इक्वेशन आपको याद रखने और नेक्स्ट लेक्चर में अपना जो भी नोमरिकल्स होगा ठीक है वो नोमरिकल्स होगा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पे ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नेक्चुअल लाइन इक्वाटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल होगा कोई कन्फुग्रेशन होगी उनके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इतना सब समझ में आ तो इनके बेसिस पे अभी आपको प्रैक्टिस करनी है ठीक है ओके चलो बाय